कहाँ से पावर स्टार? हाँ, पावर मतलब क्या जी? पावर मतलब पावर यहीं से शुरू होला, यहीं खत्म होला जी। नो भूल भुलैया, ओनली वन पवन भैया। पवन भैया कोई नहीं है टक्कर में भैया। पेंट लगा के घूम रहे, इससे आपको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? पवन भैया के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। पवन भैया जी जाएंगे तो हम लोग पवन भैया के लिए जान दे दीजिएगा। जी हाँ, जान दे देंगे। पवन भैया कितने लोग के लिए जान देंगे? सबके लिए जान देंगे। हम लोग स्टूडेंट है, चाहेंगे तो हम लोग भी पावर स्टार्ट कर देंगे अपना, लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दिए हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जितना स्टूडेंट पावर होता है उतना नेता का पावर नहीं रहता है। हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग भी गिरा सकते हैं। जो 18% GST लगा कर रखे हैं एजुकेशन पर, उसको खत्म करना चाहिए ताकि हम लोग को जो क्लास से प्रोवाइड होता है वो कुछ कम में मिले। अभी हम उस लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है जहां से निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आज वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जब से पवन सिंह ने फैसला किए हैं कि हम काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब से ये जो लोकसभा क्षेत्र यानी काराकाट, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अभी हम उसी जगह पे मौजूद है जहां पे पवन सिंह एक कार्यक्रम को, एक मंच को संबोधित करेंगे। यहां के युवा, यहां के छोटे छोटे जो छात्र पढ़ने वाले हैं, गरीब किसान के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के लिए पिछले 5 से 10 सालों में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ विकास हुआ है, यहाँ के छात्रों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। पिछले 10 सालों में 5 सालों में कितना बदला है काराकाट लोकसभा? काराकाट में बदलाव जो हुआ है देख ही रहे हैं सब लोग। काराकाट में बदला क्या है, जो पहले से चलता आ रहा है वही चला आ रहा है बस। और क्या जी, कुछ बदलाव किए हैं उपेंद्र जी? हमारे यहाँ तो कुछ बदलाव नहीं किए हैं। हाँ। अब पता नहीं, हम लोग के एरिया में कुछ डेवलप हुआ भी नहीं किया तो हम लोग क्या बताएं आपके बारे में। छात्र वोटर है कि नहीं? जी हाँ वोटर है जी। इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है, कौन जो है कि बढ़िया से मजबूती के साथ खड़ा है, किसको? देखिए हम लोग को केवल विकास चाहिए, कोई भी प्रत्याशी आए हम लोग उनको मतलब तहे दिल से मानते हैं। यहाँ पे कोई प्रत्याशी आए हमको चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग का यहाँ पे छोटा सा लाइब्रेरी भैया के द्वारा खोला गया है। ये मेरे भैया लाइब्रेरी के जो हैं मतलब कम फीस में मतलब कि हम लोग को प्रदान करते हैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे। और जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि यहाँ पे 150-200 बच्चा लोग पढ़ता है, कम से कम उन लोग को थोड़ा सा फीस उस पर ध्यान देते हैं। और क्या हम लोग को चाहिए? तो मतलब गरीब कहना चाहते हैं कि आपका जो एजुकेशन है फ्री कर दिया जाए। हाँ जी भैया, एजुकेशन अब फ्री करना चाहिए। जो 18% GST लगा कर रखे हैं एजुकेशन पर, उसको खत्म करना चाहिए ताकि हम लोग को जो क्लास से प्रोवाइड होता है वो कुछ कम में मिले। अब हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, गार्जियन इतने हमारे अमीर उमीर नहीं हैं, किसान हैं, ज़्यादा खेत पदार भी नहीं हम लोग का कि मतलब कि हम लोग को इतना पैसा दें पढ़ने के लिए। अब एजुकेशन थोड़ा 18% GST हटेगा कम से कम, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग का जरूर लाभ होगा। जो क्लास से बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ दास। जब इस बार क्या काराकाट में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव की क्यों जरूरत पड़ गई आप लोग? क्योंकि विकास के नाम पर काराकाट एकदम शून्य है, कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। उपेंद्र जी तो डिंग हाँकते हैं कि बहुत काम किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? क्या यहाँ पर कोई फैक्ट्रिया खुला उनके कार्यकाल में? कुछ भी हुआ? डालमिया बोल रहे थे खुलने के बाद, यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलने की बात हो रहे थे, क्या हुआ, कहाँ गया सब? आप वोट किए थे? हम तो विश्वास पर वोट किए थे कि आएंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, आज तक नहीं खुला। बस केवल काराकाट में राजनीति होता है, जो लोग भी आ रहे हैं बस विकास के नाम पर कि हाँ ये होगा वो होगा, डींगे हाँक के चले जा रहे हैं, बाकी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो हालात में पहले था आज भी वही हालात? आज भी वही हालात है और इस बार पूरा काराकाट बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, बदलाव में कौन चेहरा आपको लग रहा है कि जो काराकाट के भविष्य को बदल सकता है? देखिए ये कहना तो अभी उचित नहीं रहेगा, ये अपने अपना गुप्त मत की बात है, ठीक है, लेकिन बदलाव की ओर बढ़ रहा है काराकाट। पवन सिंह का क्या माहौल है काराकाट में? वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, BJP से टिकट मिला था उनको। अब वो तो अंदरूनी बात है कि वो अपना काराकाट से लड़ रहे हैं, वहाँ आसनसोल से छोड़ दिए हैं, लेकिन हाँ लेकिन अब देखते हैं क्या होता है पवन सिंह का आगे। मतलब ये बदलाव होगा? ये एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर कुमार। काराकाट में बदलाव होगा? जी होगा। तो बदलाव में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो लगता है कि हाँ ये उचित है, काराकाट को बदल सकता है? देखिए अभी तो कुछ नहीं बदल सकते, अभी उन लोग काम करेंगे तब ना पता चलेगा। एक बार चांस देना चाहिए। अभी हमारे देखने से सबसे अच्छे पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह जी, पवन सिंह आपको लगता है कि उचित है? हाँ हाँ। लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ जो भी लोग हैं वो बस फोटो खिंचवाने वाले वोटर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, फोटो खिंचवाने वाले भी है, वोटो देने वाले। जी जी। और लोगों से भी बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। ये बताइए काराकाट में इस बार बदलाव होगा? काराकाट में तो बदलाव होना चाहिए इस बार। इस बार तो हमको लग रहा है कि एकदम बदलाव होगा ही होगा। नो भूल भुलैया, ओनली वन पवन भैया। पवन भैया कोई नहीं है टक्कर में भैया,
कोई नहीं है टक्कर में। बताइए पेंट लगा के घूम रहे, इससे आपको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? पवन भैया के लिए जान देने के लिए तैयार है। पवन भैया जी जाएंगे तो हम लोग पवन भैया के लिए जान दे दीजिएगा। जी हाँ जान दे देंगे। पवन भैया कितने लोग के लिए जान देंगे? सबके लिए जान देंगे। जान देंगे जी हाँ। बताए गरीब जो है कि भूखे कई लोग घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, गर्मी में पानी के लिए लोग बेहाल है, कहाँ कोई मदद कर रहा है? तो भैया पहले इससे पहले जो सांसद था वो क्या किया है? वो क्या किया है बताइए आप? कहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपको पेंट करने का? इससे पहले जो सांसद था वो क्या किया है? अभी तो भैया निर्दलीय है, अगर जीत के जाते हैं तो भैया कुछ तो बोलेंगे, हम लोग शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे कैसे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? कहाँ से पावर स्टार? हाँ पावर मतलब क्या जी? पावर मतलब पावर यही से शुरू होला, यही खत्म होला जी। नाम क्या हुआ ये तो बता। नाम गुड्डू कुमार गुप्ता से आए हैं, नबी नगर से आए हैं। नबी नगर जी? पवन जी के लिए आए? जी पवन जी के लिए आए हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं। रोजगार की जरूरत नहीं आपको? हमको रोजगार की जरूरत, हम खुद कमाते हैं, अपने बदल कमाते हैं। जी हाँ 400-500 रुपए तक कमाते हैं हम लोग। कमाते हैं जी हाँ। पावर स्टार यहीं से शुरू होता है जी? पावर यहीं से शुरू होला, यहीं खत्म होला। माहौल बन जा रहा है भाई, देखिए बादल है, कहीं सच में पावर यहीं से शुरू होता है जी? पावर तो यहाँ से शुरू नहीं होता है। कहाँ से होता है? काशी को जहाँ है वहीं से पावर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो हम लोग भी है, हम लोग स्टूडेंट है, चाहेंगे तो हम लोग भी पावर स्टार्ट कर देंगे अपना, लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दिए हैं। अगर हम लोग पावर स्टार्ट कर देंगे तो सब पावर खत्म। अभी आप भी समझ सकते हैं कि जितना स्टूडेंट पावर होता है उतना नेता का पावर नहीं रहता है। हम ही लोग बनाते हैं, हम लोग भी गिरा सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो पावर यहाँ से शुरू नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन बदलाव होगा। जब जीतेगा वो तो समय बताएगा। हाँ। अब आने वाला दिन में कौन बनेंगे वो बताएंगे। जो आए सब कहकर गए ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी अभी इनको भी एक बार देखा जाए, जो आएगा बदल के देखा जाए। अब हम लोग का कहा है, सब लड़का लोग पढ़ने वाला है, अगर वो कोई उनका प्रत्याशी यहाँ पर आकर हम लोग भेंट करे तो हम लोग मानेंगे कहाँ वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप फैमिली के एक मेंबर है अपने परिवार के, अगर आप चाहेंगे तो आपका परिवार जहाँ चाहेंगे आप वहाँ, अगर आप बोल देंगे वहाँ नहीं देना है तो नहीं देना, नहीं देना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर 150 लड़के हैं, 150 घर, सब लोग मतलब एक 10 घर, 12 लोग हैं एक घर में। अगर यहाँ अगर कुछ होता है तो लड़का लोग अपना सपोर्ट करेगा, जिधर बोलेगा उधर वोट जाएगा। मतलब यहाँ आप लोगों के माध्यम से 10,000 वोट तो है आराम से। 10,000 वोट चाहे तो किसी को भी बना सकता है। हाँ किसी को, अगर जो प्रत्याशी है हम लोग से आकर भेंट करे, कुछ समझाए, कुछ हम लोग को करने के लिए बोले, उसके बाद हम लोग समझा जाएगा। पवन सिंह क्या लगता है वैसे उम्मीदवार हैं जो काराकाट को बदल सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है? अभी तो नहीं बता सकते हैं हम लोग। हाँ। क्योंकि जो जीतेगा वही देखा जाएगा, ऐसे हम कैसे बता दें। अभी बहुत लोग कल भी आए थे, तेजस्वी यादव, वो भी कुछ कह कर गए, आज ये कल परसों कोई और आएगा, कुछ ना कुछ कहते जाएंगे। शिक्षा के बारे में, हित के बारे में कोई नहीं बात कर रहा हम लोग से कम आए बोले कि भैया लाइब्रेरी चल रहा है गोला पे, 10 गोल, लड़का लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आता है, लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, कम से कम बच्चा लोग का फीस का कुछ माफ किया जाए, उन लोग से आग्रह ही ना होगा। और लोगों से, छात्रों से बात किया जाएगा। देखिए बहुत सारे छात्र हैं, सब लोग भाग रहे हैं, ये लोग पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपने हक के लिए बात नहीं कर। क्या नाम हुआ जी? रोशन कुमार। क्या लगता है कौन बदलाव होगा इस बार? देखिए काराकाट में क्या बदलाव होगा, अभी तो कोई जनता लोग अपना वोट देते हैं। हम भाई वोट अभी दिए नहीं, वोटर नहीं दे। नहीं दे। अच्छा आपके परिवार के लोग क्या चाहते, बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। देखिए काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से छात्रों का कहना है कि बदलाव की जरूरत है, बदलाव के लिए जो है कि इस बार वोट होगा। बाकी रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी मुद्दों पर लेकर के इस बार वोट होगा, और देखते हैं कि केंद्र में और यहाँ पे काराकाट में किसकी सरकार बनती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।